मिशन 80 में जुटे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 30 दिसंबर को एटा दौरे पर पहुंचे, जहां वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद से अपने संबोधन में जमकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला, साथ ही बीजेपी सरकार को चेतावनी दे डाली। अखिलेश यादव ने मंच से संबोधन में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी सरकार लोगों के साथ अन्याय कर रही है, लेकिन ये लोग ध्यान रखें, वो दिन दूर नहीं जब समाजवादी लोग भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप कर रहे हैं। किसी के साथ अन्याय करने के लिए सरकारें नहीं बनती हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीख रहे हैं कि अगर आप अधिकारियों को इस्तेमाल कर करके अन्याय कराओगे तो वो समय दूर नहीं जब समाजवादी लोग भी आपके व्यवहार की तरह भी आपके साथ भी वही व्यवहार करेंगे जो आज हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। ये बहुत कमजोर लोग हैं बीजेपी के। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने लोगों से सवाल पूछते हुए बीजेपी को अपराधियों की पार्टी बता दिया। कहा, बताइए क्या बीजेपी में अपराधी नहीं है? क्या ये बीजेपी वाले जमीनें कब्जा नहीं कर रहे? हाँ, जिनके साथ और इनके ऊपर अपराधी बैठे उनके बारे की उनकी सूची नहीं आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी में अपराधी नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीनें नहीं कब्जा कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब किसान और समाजवादी कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे नहीं लगा रहे? अखिलेश यादव ने फिर मीडिया से बात करते हुए सांसदों के निलंबन पर बीजेपी को घेरा। कहा, 2024 का चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। सरकार ने सवालों के जवाब देने से बचने के लिए लोकसभा के सांसदों को निकाल दिया, साथ ही संसद में हुई सेंधमारी पर भी सरकार को घेरा। ये 24 का चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने नई लोकसभा बनाई, और लोकसभा के परंपरा देखिए आप कि सबसे ज़्यादा सांसदों को निकाल दिया, और जिन सवालों का जवाब देना चाहिए था उन सवालों के जवाब से बचने के लिए लोकसभा से सांसदों को निकाल दिया गया। और जो सबसे सिक्योरिटी जोन है, सबसे महत्वपूर्ण इलाका, सरकार ने दावा किया था कि सबसे सिक्योरिटी बंदोबस्त अच्छा होगा, उसमें आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ही पास से वो नौजवान लोकसभा में आ गए। ये लोकसभा नहीं चलाना चाहते। आगे अखिलेश यादव ने आगामी चुनाव के लिए जनता को सावधान रहने की नसीहत दी। बोले, अगर बीजेपी वाले फिर आ गए तो इस बार जनता का वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे, साथ ही बेरोजगारी महंगाई पर भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। जनता को सावधान रहना है कि 24 में ये लौट करके आ गए तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। जहां महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, ये सरकार दावा कर रही थी कि बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, कारखाने उद्योग लगेंगे। अब तो हम सब लोग चुनाव में जा रहे हैं, कोई उद्योग लगा हो तो बताएं, कोई कारखाना लगा हो तो बताएं, और जिन कारखाने के लगने से कितनों को नौकरी, कितनों को रोज़गार मिला ये तो सरकार बताए। इसी ज़िले में समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना लगना शुरू हुआ, आज तक पूरा नहीं हो पाया, और यही सरकार अगर पूरा कर देती तो जनता को सस्ती बिजली मिलती। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार जनता और विपक्ष मिलकर बीजेपी का सफाया करेगी, और यूपी में बीजेपी सभी 80 की 80 सीटें हारेगी, जिससे देश का संविधान बचेगा। विपक्ष और ये जनता जब वोट डालेगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। गठबंधन आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटें हराएगा। 80 सीटें हराने से संविधान बचेगा, भारतीय जनता पार्टी हटेगी।